अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बीएससी का जो हमने सिलसिला शुरू किया है बीए बीएससी का कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से, उसी के हवाले से आज लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें एक दो सवाल हैं और एक दो फार्मूले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अवर वन माइनस ए बी। दूसरा फार्मूला टेन इनवर्स ऑफ ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी टेन इनवर्स ए माइनस बी वन प्लस ए बी, और टू टेन इनवर्स ऑफ ए टेन इनवर्स टू पे अवर वन माइनस ए स्क्वायर। ये एक दो फार्मूले जो कि एक्सरसाइज 1.3 में यूज़ होते हैं। सवाल इसके बहुत लेंथी हैं, एमसीक्यूज के वाले से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के वाले से। अब आगे प्रूव करते हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। टू प्लस एटा इज इक्वल टू फाइव अंडर रूट प्लस ई की पावर एटा टेन इनवर्स ऑफ टू ए। लेट कर लेंगे जी आप जेड, सबसे पहले पोलर फॉर्म ऑफ जेड बनानी है आपने। जेड इज इक्वल टू टू प्लस एटा, जेड की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, टू का स्केयर वन का स्केयर अंडर रूट फाइव आ गई। और आपको बताया जेड की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, आर के। थीटा मालूम करेंगे, टैन इनवर्स वाई अपर एक्स, वाई यहाँ पे वन एक्स यहाँ पे टू है, ये थीटा यही आ जाएगा, टैन इनवर्स वन बाई टू हो जाएगा। पोलर फॉर्म लिखे जेड की, तो जेड इज इक्वल टू आर कोज ऑफ थीटा प्लस एटा साइन ऑफ थीटा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आर अंडर रूट फाइव है ई की पावर एटा थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके पास z आ गया, और z किसको कहा था आपने, 2 प्लस एटा अंडर रूट 5 e की पावर एटा टेन इनवर्स 1 बाई टू। तो ये प्रूफ था, एक छोटा था, जिसमें आपने एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रूफ है, इसमें भी आप लेट कर लेंगे जी, z इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4 एटा। z की मैग्नीट्यूड माइनस 3 की मैग्नीट्यूड 5 आ गई। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अवर एक्स, तो अब एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो आर्गुमेंट अब फाइंड करेंगे। आर्गुमेंट बराबर आ जाएगा आपके पास, थर्ड क्वार्टर है पाई प्लस टेन इनवर्स फोर अवर थ्री आ जाएगा। पोलर फॉर्म ऑफ जेड में डायरेक्ट फार्मूला है, आर इंटू की पावर एटा थीटा, ये भी पोलर फॉर्म कहलाती है। आर कितना आपके पास, फाइव है ई की पावर एटा, और थीटा कितना आपके पास जी, थीटा आपके पास है पाई प्लस टेन इनवर्स फोर बाई थ्री। तो ये आपके पास पोलर फॉर्म आ गई। अब इसी तरह मुख्तलिफ क्वेश्चन है जो आपके पास पूछे जा सकते हैं। जिस तरह अगर इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये आ जाए, तो ये आपके पास बन जाएगा, इसकी डायरेक्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, जेड इज इक्वल टू फाइव ई की पावर एटा पाई माइनस टेन इनवर्स फोर बाई थ्री बन जाएगी। और अगर ये इस तरह आ जाए, माइनस प्लस और ये माइनस फोर एटा आ गया, तो इसी के आपने पोलर फॉर्म यानी कन्वर्ट करना है, तो ये इसकी ये फॉर्म बन जाएगी पोलर फॉर्म, फाइव इंटू ई की पावर माइनस टेन इनवर्स फोर बाई थ्री। ये क्लॉक वाइज के लास है, सात एटा आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास चंद सवाल इस तरह के एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्वेश्चन के साथ दोबारा हाजिर होंगे, मजीद उसमें हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।